शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो आपको एक बार शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहिए। और ये बात एकदम सच है कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े सब कुछ खरीदना चाहता है, और ज्यादातर लोग इसके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया पैसे की अहमियत क्या है, लेकिन दोस्तों अमीर बनने के नियम के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताना चाहते हैं जिन बातों को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर मार्केट क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जान जाओगे, और फिर आपको पता लग जाएगा कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो लोग सोचते हैं इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि रिस्क तो हमारी लाइफ में हर जगह पर है, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क, इन दोनों में फर्क क्या है। अब जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो रोड पर ड्राइविंग करना भी एक रिस्क है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। लेकिन आप कार में बैठे हो तो आपको पता है कि मुझे चोट नहीं लग सकती, और लग भी गई तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इस कार के अंदर 100 में से 95% सेफ हूं। तो यही शेयर मार्केट का रूल है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जिसके दम पर हम यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको गाड़ी एकदम परफेक्ट चलानी आती है तो फिर आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। कैलकुलेटेड रिस्क हम वहाँ पर लेते हैं जहाँ हमें पता हो कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, हर कंपनी का शेयर अलग अलग प्राइस में है, और हम उनमें शेयर बाय और सेल कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद ही अपने पैसे अपनी कंपनी में लगा लीजिए, दूसरा आप किसी और से कहें कि भाई मेरी कंपनी में पैसे लगा दो, और तीसरा है पब्लिक फंडिंग, जिसका मन हो वो मेरी कंपनी में पैसे लगा सके। अगर मेरी कंपनी ग्रो करेगी तो उन सबका प्रॉफिट होगा। इसी तीसरे तरीके में हम लोग आते हैं, कंपनी हमें शेयर मार्केट में ऑफर करती है कि तुम आराम से घर बैठो, बस हमारी कंपनी में पैसे लगाओ और हमारे साथ हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाओ। अब हमारी कंपनी जितने परसेंट से पैसा कमाएगी उतने परसेंट से हम आपका पैसा प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। आम लोग ऐसा ही करके बड़ी कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं, जिससे कंपनी ग्रो होने पर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी घाटे में जाती है तो वो घाटा उन्हें भी होता है। अब यहाँ पर लोगों को ये देखना होता है कि वो पैसा जिस कंपनी में लगा रहे हैं वो कंपनी उनका पैसा डुबाएगी तो नहीं। लेकिन आप लोग ना इसे दोस्तों हल्के में ले लेते हो। आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने 20-25 साल पहले टाइटन कंपनी में 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, जब टाइटन कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए था, उन्होंने 6 करोड़ शेयर इसमें खरीद लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि फ्यूचर में ये टाइटन कंपनी ग्रो कर सकती है, और फिर टाइटन कंपनी उनकी सोच से भी ज्यादा ग्रो कर जाती है। और अब 20-25 साल में टाइटन कंपनी का शेयर 3 रुपए से बढ़कर 3600 रुपए पर चला गया है, और उन्होंने टाइटन कंपनी में 6 करोड़ शेयर खरीदे थे, वो भी 18 करोड़ रुपए में। अब यहाँ उनका पैसा 1200 गुना बढ़ गया है, क्योंकि टाइटन कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए से 3600 रुपए होने की वजह से, और उनके 18 करोड़ रुपए अब 21600 करोड़ रुपए में बदल गए हैं। तो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट की पावर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों आज से ही स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जिससे आप अपने फ्यूचर में करोड़ों रुपए के मालिक बन सको।